दोस्त भोले भंडारी, आज दिनांक 16 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों आज सुबह से ही मैं बड़े कन्फ्यूजन में चल रहा हूँ। वह क्या कि मुझे आज एक डिवाइन मैसेज ही बड़ा कन्फ्यूजन भरा दिया गया है। वह क्या है कि मुझे एक प्रार्थना बताई गई है कि इसको करो, लेकिन ये क्या प्रार्थना, दिस प्रेयर इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन। अब आप बताइए मैं क्या करूं। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, आज का डिवाइन मैसेज जो मुझे हुआ कन्फ्यूजन भरा, और जो सुबह से मेरे दिमाग में हलचल मचाए हुए है, वह क्या है सुनो। वह एक प्रार्थना है कि मंगल इस प्रार्थना को करो। हे ईश्वर, तू इन रंगा बिल्ला और इनके मास्टर की ज़िंदगी तो बचाना, लेकिन मत बचाना सर। हे ईश्वर, तू इन रंगा बिल्ला और इनके मास्टर की ज़िंदगी तो बचाना, लेकिन मत बचाना सर। देखा है ना बड़ा कन्फ्यूजन, और वह भी क्या कि प्रार्थना है यह, हम किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन भरी प्रार्थना है। दोस्तों इस तरह से जब भी हमारे जीवन में कन्फ्यूजन आए तो हमें वह ईश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए कि हे ईश्वर, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम जैसा करो, तुम्हारा निर्णय ईश्वरों पर ही है, ऐसा मत करो जैसा हम बोलते हैं या कहते हैं, आप अपने अनुसार काम करिए। और वह क्या है कि हे ईश्वर, तुम इन्हें रंगा बिला और इनके मास्टर की ज़िंदगी तो बचाना ही, लेकिन मत बचाना सर। भाई खूब है, मैं क्या करूं भाई, मुझे आज यही प्रार्थना दी गई है कि हे ईश्वर, तू इन रंगा बिल्ला और इनके मास्टर की ज़िंदगी तो बचाना ही, लेकिन मत बचाना सर। मैं सुबह से ये सोच रहा हूँ कि यह मुझे आज कन्फ्यूजन भरी प्रार्थना क्यों दी गई है। ईश्वर तो पहले तो ऐसा कभी देता ही नहीं था, कोई कारण होगा, जैसा उसने बोला मैंने ऐसी प्रार्थना कर दी। अब उस ईश्वर की मर्जी, वह जो करे। और हम तो कहते हैं कि ईश्वर तेरी इच्छा ही पूर्ण हो, तू ही जाने कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, तूने रंगा बिल्ला की और इनके मास्टर की ज़िंदगी तो बचाना ही, लेकिन मत बचाना सर। भाई इन दोनों स्टेट्स में क्या फ़र्क है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इस दुनिया में जो भी प्राणी आया है उसकी ज़िंदगी तो बचनी चाहिए। किसी को किसी की ज़िंदगी लेने का अधिकार नहीं है, न उस बारे में कोई कामना करने का अधिकार है कि उसके साथ ऐसा बुरा हो जाए। इसलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत के जो रंगा बिल्ला हैं और उनके भी जो मास्टर हैं, उन सबकी ज़िंदगी तो बचे ही, चाहे किसी और तरह का कष्ट दे लेना। लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि हम ही बोलने लगे, परमात्मा ने बताया कि ऐसे बोलो लेकिन मत बचाना सर, लेकिन इनकी ज़िंदगी को मत बचाना। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी को बचाने का अर्थ है लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को आफत में डाल देना। अब भाई ये होना चाहिए, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर बड़ा निर्णायक है, ही इज़ द सुप्रीम जज, उसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करे। भारत में रंगा बिल्ला की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ में है, इनको ज़िंदगी मालूम नहीं है, और इनके मास्टर इनके